कहाँ जा रहे हो आज? आज मैं जा रही हूँ घूमने। किधर? ये तो यहाँ का नाम ही अजीब होता है। सीधा ऊपर? आज मम्मी को हम पहुँचाएंगे सीधा ऊपर। हाँ भैया, मेरे को तो चक्कर आ रहे जैसे। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? पता नहीं, तू इतना ऊंचे ऊंचे पे आ रखे। हम देख मम्मी का, देखो दो दो बोतल दारू लेकर आ रही हूँ। तो आज जा रहे हैं हम ज्यूरिख के पास। एक काफ़ी अच्छी जगह है जिसका नाम है होयरकास्टा। काफ़ी एक बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है सांतिस। उसके ही पास ये जगह है, काफ़ी पॉपुलर जगह है सांतिस। लेकिन वहाँ पे नहीं जा रहे हम सांतिस में, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा काफ़ी पॉपुलर, तो काफ़ी सारे लोग होंगे, काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। इसलिए हम जाएंगे इस दूसरी जगह जहाँ मैं पहले जा चुका हूँ, एंड आई रियली लाइक दैट प्लेस। तो वहाँ लेके जाते हैं मम्मी को आज। ससील को उठाएंगे और तीनों के तीनों जाएंगे पहाड़ के ऊपर। मम्मी ठीक है? देखो अब तीनों ने मम्मी का नया चश्मा देगा। हम तीनों चश्मा पहन के पहाड़ों के ऊपर जाएंगे। ओह यस यस। हां, डिड यू सॉ हर न्यू ग्लासेस? नहीं, आई डिड सी ग्लासेस। यस, वी गॉट हर वन। नो वे, नाइस। इट वाज लाइक वी आर द ओनली वन वेयरिंग ग्लासेस। आई लाइक, या मॉम, यू शुड गेट वन टू। देन आई ऑर्डर्ड इट एंड शी लाइक्स इट। या, इट्स हर डिजाइन। या शी ऑर्डर्ड इट। I mean, I asked her which one you want to get, and then but I ordered it. But they come through for her. Yeah, I think so. Mummy, badiya hai na chashma? Haan, badiya hai. Abhi yahan se paidal chal ke ja paoge? Dekhti hu, koshish karti hu. Chashma to badiya lag raha tumhara. Thank you. इतने बड़े कहाँ? तुमने तुमको तो तुम तो हिमालय से आ रहे, तुम्हें तो होना चाहिए ये सारे पहाड़। देखा हमने पहाड़ है? पूरा दिख देख कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ, बाल तो बहुत बड़े हैं ये देखो। पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं लोग कितने सारे। हाँ, हम लोग वहाँ जाएंगे मम्मी। हम लोग वहाँ? हाँ, वहाँ ऊपर। कैसे जाएंगे? पैदल, वॉकिंग ऑल द वे अप। और फिर पैराग्लाइडिंग करके नीचे आएंगे। ठीक है, मम्मी विल डू पैराग्लाइडिंग अलोन। Not sure where she will land. गाइस, पहुंच गए हम सबसे ऊपर। ज्यूरिख से 1.5 घंटे की ड्राइव करके दूर है ये जगह। काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में मम्मी की पहली, बहुत ऊंचा पहाड़ है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? अरे इतना ऊंचा है, उधर को दिखा, देख बादल ही बादल। हाँ हाँ, मैंने दिखा दिया। हाँ। तो तुम तो बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस। ना भैया, मेरे को तो चक्कर आ रहे जैसे। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? पता नहीं, तू इतना ऊंचे ऊंचे पे आ रखे। हम देख, हाँ तो सब सर पे सूरज है पूरा। हाँ तो ना बाबा, ना मेरे तो सर ही चकरा रहा है। मम्मी तो पास भी नहीं जा पा रही इनके। यही से कपड़ा घूम रहा मेरा तो। जाओ पास जाके खड़े हो जाओ। लेकिन बढ़िया है ना? देखो इतना ऊपर फटाफट आ गया। थोड़े बादलों के पीछे भी है, थोड़े बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। नॉर्मली लोग जाते हैं पिलातुस, यूंगफ्राओ, ये सारी काफी टूरिस्टिक चीजें। वहाँ नहीं लेके गया मैं तुमको क्योंकि आप टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं, और क्या करोगे जाके इतने सारे लोग। तो ऐसी जगह यहाँ जो थोड़े लोकल्स को ज़्यादा पता है, तो होयरकास्टा उनमें से एक जगह है। देख लीजिए कितनी खाली पड़ी हुई है आज। बहुत खूबसूरत है यार। हाँ, तो जिस जिसको पेट पूजा करनी है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी कर सकता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, मोस्टली हर तरफ होता ही है ऊपर जाके। लेकिन हम अपना खाना खुद से लाए हैं, तो हम पीछे वहाँ पे बैठेंगे कहीं, तो भी नीचे की साइड जहाँ पे इतनी हवा नहीं चल रही हो वहाँ पे खाएंगे मम्मी के सैंडविच और फ्रूट्स एक्सेट्रा। ओके, yay, ready for sandwich. Are you happy for sandwich? We are all happy for sandwich. Let's go. Nikalo mummy. Kya kya leke aaye ho? Ye to fruit hai. Ye sandwich. Sandwich. Oh. Ye bhi fruit hai.
हाँ तो एक चीज निकालो ना, हाँ तो एक चीज निकालो ना। मम्मी ने तो यहाँ पे पूरा खुद का ढाबा ही खोल दिया, हर तरफ लाइक हर चीज लेके आ रखे हैं। सो सैंडविच तो काफी बढ़िया बने हैं। हाउ आर द सैंडविचेस? आर दे गुड? डिलीशियस। और मम्मी मेरे पास बिजनेस आइडिया है, हम ना ऐसी पहाड़ों में ऊपर आके ये ना सैंडविच बेचते हैं सबको, है ना? व्हाट यू थिंक? वी हैव अ बिजनेस आइडिया, सैंपल के फ्री में खिला दे सकते हैं। वी ब्रिंग दिस अप एंड देन वी सेल इट टू एवरीवन। व्हाट डू यू थिंक? देन मम्मी कैन बी द बिजनेस ओनर। शी सिट्स लाइक दिस एंड विद ऑल द सैंडविचेस। फ्री में बांट दे सबको। फ्री में क्यों? हां तो फिर मेरे फूफा की लड़की की शादी है फ्री में। हां तो भाई लंच हो गया हमारा पूरा, वी ऑल एट नाइसली। मम्मी की फोटो खींचे मैंने 1000, उसमें से एक मम्मी को पसंद भी आ गई। आई थिंक इट्स रेडी। अब हल्का हो गया। लाइट अब ये लग गई। कोई नहीं कोई नहीं। सो नाउ वी गो टू द अदर साइड। मम्मी कैसा लगा तुम्हें आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आ गया आज तो। थोड़ा ठंड हो रखी है तो मैंने तो पूरा फिर से ले लिया। टॉप पे है ना हम, टॉप पे हैं तो हाँ हवा चल रही है। चलो फिर ये सब हो गया, अब चलते हैं वापस नीचे। हो गया ना? हाँ, तुम्हें वो तो हाइकिंग तो करनी है, तो अब हम वापस जाएंगे। ठीक है, फटाफट नीचे आ गए हम वापस। देखो गाड़ी आ रही है। क्या हुआ? मेरे तो कान ही बंद हो रखे। हाँ तो इतनी जल्दी ऊपर से नीचे आए ना तुम? करीब 1800 की फीट की ऊंचाई पर है, और वैसे तो मम्मी के चक्कर से हम लोगों ने ये फटाफट ले ली, लेकिन लोग वापस पैदल चल के भी आते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं इसमें और आते हैं वापस पैदल। धन्य है, धन्य नहीं है सारे के सारे, तुमको भी चलना चाहिए थोड़ा। सी फ्रॉम दिस यू कम बैक देन, पर ओके। Now we go back to our car. तो हम हैं अब आपनचल के टाउन में। मम्मी कैसा लग रहा है? ऊपर से नीचे आके हैं, ज्यादा चलाया भी नहीं हमने तुम्हें। गंडोला में आराम से आई मैं। हाँ तो अब शहर में अब हम जा रहे हैं केक खाने, यहाँ का स्पेशल हमें लेके जा रही हैं सेसिल केक खिलाने, कॉफी पिलाने। आओ ओके। लेकिन तुम नहीं खा सकते, तुम्हें तो डायबिटीज है, तुम सिर्फ देखना बाहर से। हैं नहीं, तुम नहीं खा सकते बिल्कुल भी। स्विस कल्चर सुनने को और खाने को टाइप मिल रहा है। पीछे लोग गाना गा रहे हैं, योडला देख, योडला या इट्स अ सॉन्ग, कोई गाना गा रहे हैं यहाँ के लोकल गाना, और मम्मी पी रही है कैपेचिनो वो इतनी सारी स्वीट्स के साथ। तो मेरे ख्याल से जो काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने, यहाँ पे भी रहते हैं आपनचल में, काफ़ी सारे होटल वगैरह देखे, काफ़ी टूरिस्टिक जगह है। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, 13 साल रह के इधर, लेकिन मेरे ख्याल से मम्मी को दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप आपनचल में भी रुक सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया हैं आसपास जहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट घूम सकते हैं। भाई यहाँ स्विट्जरलैंड का गांव कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। गाना गाया तुमने पीछे? हाँ, उनके साथ गाना भी गा रहे थे, अच्छा लग रहा था, जो भी गा रहे होंगे। अच्छा, सुनने में तो अच्छा लग रहा था, तो फिर मजा आ गया। मतलब हाँ, देख के हाँ, हाँ, तुमने स्विट्जरलैंड के गांव भी देख लिए, टूरिस्टिक गांव। ये गांव ही शहर ही लग रहा पूरा। हाँ ऐसे होते हैं गाँव। हाँ अच्छी गाँव है। वेरी गुड। अब चलो बियर पीते हैं चल के। अब हम आए थोड़ी बियर लेने यहाँ पे। यह है आपनचल बियर, फेमस यहाँ की आपनचल की। आपनचल का चीज आपने सुना होगा शायद, वो भी काफ़ी फेमस है। आपनचलर एमेंटालर इज एमेंटालर इज चीज है, दिस इज सो एन केज है उधर। तो यहाँ से हम लेंगे थोड़ी बियर।
है सप एंड सेलर की बियर की दुकान। मम्मी कौन सी बियर पीनी है, कौन सी बियर पियोगे? ये है देखो कितनी सारी बियर है यहाँ पे फेमस। दारू का चस्का हमने लगा लिया है, मम्मी का देखो दो दो बोतल दारू लेकर आ रही हूँ। वाह मम्मी क्या बात है, यूरोप का तो मेरे को ज्यादा ही कल्चर चढ़ गया जल्दी। हाँ शी टुक द कल्चर क्वाइट क्विकली विद टू बियर्स। वेरी गुड। तो अंदर काफ़ी सारी बियर के सिलेक्शन थे, अपन चल बियर काफ़ी फेमस है यहाँ पे, बाहर मेरे को इतना नहीं पता। हाउएवर डिस्टिलरी है इनकी यहाँ पे पीछे, इसलिए सारे लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ से बियर लेके जा रहे हैं। हमने भी थोड़ी बहुत लिए मम्मी के लिए एक नॉन अल्कोहल ट्राई करने के लिए, जिंजर बियर। जिंजर बियर काफ़ी फेमस हो रही है आजकल हर तरफ, तो हम वो ट्राई करेंगे घर जाके। लेकिन वैसे मम्मी की नॉन अल्कोहलिक है, सो इट शुड नॉट बी एन इशू। उसके अलावा आई थिंक वी गॉट सम फ्री चिप्स। तो भाई तीन बियर डाउन है हम अब। मम्मी तुमने कितनी पी? मैंने एक पी। नहीं नहीं, अब हम कार में बैठे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि किधर जाएं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4:30। एक सोल्यूशन ये है कि हम आई किया जा सकते हैं। मम्मी ने आज से पहले कभी आई किया नहीं देखा है, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। दैट वुड बी अ नाइस थिंग टू शो हर सम आई किया, एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव डिनर देयर, बिकॉज दे सीम टू हैव अ नाइस रेस्टोरेंट। गाइस हमने कर ली हमारी शॉपिंग, वी आर बैक। वी वर देयर फॉर लाइक 3 hours, ऑलमोस्ट लाइक 3.5 hours, 3.5 घंटे अंदर थे हम। मम्मी आइकिया देख के कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, बट टांगे टूट गई। काफी सारी चीजें थी ना, बहुत बड़ा इतना बड़ा बाजार था ऊपर पूरा। हाँ एक बार शॉपिंग करने के लिए, एक बार शॉपिंग करने के लिए आप चले जाओ तो आप बिना कुछ लिए बाहर नहीं आ सकते। Once you're in, even if you don't want to buy anything, you will bring something with you. Nice cake. Yeah, we brought something also. I didn't have anything to, मुझे कुछ नहीं खरीदना था, but still, Liffle. I bought stuff, you know. You had to buy spoon. Yeah, but it was not in my mind when I first came, you know, and just things come, then like, I just buy. Either ways, this was our day today. Hopefully, आपके पसंद आया होगा, अगर आया है तो मैं आपको अगली हमारी मिलूंगा। 2 हफ्ते बचे हैं हमारे सिर्फ यहाँ से कनाडा जाने के लिए, सो आखिरी के 2 हफ्ते मम्मी इंजॉय करिए स्विट्जरलैंड में, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, एंड देन वी विल सी नेक्स्ट ईयर।